हाँ ये लो खा लो, 20 रुपए किलो का है। देखो मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे भी अकेला रह के बहुत कंटाल गया हूँ मैं। चलो चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पे। अबे ऐसे क्यों घूर रही है? पैसा कमा फिर जाके शादी करूंगी, यही बोला था ना। चल खड़े हो जा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे फैमिली के लोग शहर से बैंड बाजा बारात लेकर सब यहाँ आ रहे हैं। आधे घंटे में शादी, 1 घंटे में 2 बार सुहागरात, ऑफर क्लोज हो जाएगा जल्दी। नहीं कर सकती, मुझे कैंसर है। ये, एक लात मारूंगा ना तो गांव के बाहर जाके गिरेगी। पैसा नहीं था तो पैसा कमाओ बोल रही थी, पैसा आ गया है तो बोल रही है कि मुझे कैंसर है। वेड़ा समझते मारा तू? ये लड़कियों को सच्चे प्यार की कदर ही नहीं होती। हाँ वो सब मुझे नहीं पता, पहले हाथ हटाओ। अरे जोमी, ऐसी छोटी छोटी बातों से ही तो प्यार बढ़ता है ना। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, उस अंग्रेज से सीख आया है क्या? अरे रे रे, क्या बोल रही है? अरे वो गोरी चिट्टी लड़की क्या फालतू बात है। अरे जो तेरे में बात है वो किसी और में नहीं है, सच कह रहा हूँ। ऐसे तेरे कंधे पे हाथ रखना मेरा सपना था जोमी, मना मत करना। तू कितना भी डांट, चप्पल से मार या मार ही डाल मुझे, मगर तेरा प्यार मेरे दिल से नहीं जा सकता। अब 9 करोड़ रुपए जिसके जेब में हो तो कुछ भी कर सकता है ना। मैं तुझे यहाँ मिलने आया हूँ और तू है कि जरा भी खुश नहीं है जूमी। तुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों खुश हूँ? तुमने सांड मुझे दिया है क्या? चाहिए तो ले लेना, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं ऐसा ही गरीबी में जानवरों को पालता रहूं? हाँ हाँ चलो वो भी ठीक है, तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा। हम लोग बाइक पर बैठकर 18 गांव में उसे ढूंढ चुके हैं। अजय ने भी सारे तालुकों में ढूंढा है, कहीं भी सांड का कोई साउंड नहीं सुनाई दिया, पैर के निशान भी नहीं है और ना ही कोई एड्रेस मिला है। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल बात हो बताने के लिए तो बताओ। ऐसे ही गांव में घूम रहा था, सोचा कि अपने लव से मिलता चला जाओ। ए, क्या कहा? कहीं के चप्पल से मारूंगा? हम यहाँ पर सांड ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं और तू वहाँ बैठकर एप्पल खा रहा है। एप्पल अब यहाँ चुपचाप पहाड़ के पास आ जा। ठीक है ठीक है। हाँ
जरा देख तो सही। हेलो, ए इधर ला। हेलो, लगता है कट गया, ये ले आज जल्दी साथ आ। अरे ये गाड़ी हमारी है क्या? ये हमारी है क्या? ये हमारे पास 9 करोड़ है, करोड़पति है हम ये गाड़ी उठाएंगे। चल चुपचाप, बड़ा आया गाड़ी उठाने वाला, गरीब कहीं का। जुमे जरूरी काम से जा रहा हूँ, सो जाना, सपने में आ जाऊंगा, ठीक है? भावना फूड कॉर्नर। हे सुनो, गरम गरम क्या है? गरम क्या है बे? फुल चिकन तंदूरी है क्या? बोलना गरम क्या है? अरे जल्दी बोल। देखो भाई, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें दिल में रखकर हमारे साथ लड़ने के लिए मत आना, वरना ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, पहले ही बोल रहा हूँ। जाइए यहाँ से, नहीं तो क्या करेगा बे? पंकज देखिए, पंकज पुलिस। नमस्ते, नमस्ते सर। हाँ सर, क्यों रे, नया बिजनेस शुरू किया है? जी हाँ सर। होटल के बहाने कोई नया धंधा तो शुरू नहीं किया ना? नहीं है सर। और वो लड़कियाँ कौन है? ए, जाओ उन लड़कियों को लेकर आओ। ठीक है सर। उस छपरी के साथ किरकिरी कर रहा था या कॉम्प्रोमाइज कर रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस यूं ही बातें कर रहा था। कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? ये होटल हम सबका है सर। हाँ सर, ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। जी सर। हाँ सर, वो सब नहीं चलेगा, लड़कियों को इस वक्त यहाँ नहीं रहना होगा। ठीक है सर। पुराने रास्ते पर फिर से गए ना तो समझ लो। नहीं सर। ए गाड़ी बढ़ा। ए क्या रे, मेरे बारे में क्या बता रहा था पुलिस वाले को? हाँ बोल, क्या बोल रहा था? अगर एक बार और बात किया ना तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। ए, पुलिस फिर से आ गई। पुलिस बोल कर गया था ना, फिर से लफड़ा कर रहा है क्या? ए सबको अंदर डालकर धो दूंगा। सर वो खाना पार्सल ले रहा है। जी जी, अब इसमें पार्सल दे रहा है जी सर। और जी, थोड़ी देर यहाँ दिखे ना तो तुम सबको यहाँ से पार्सल कर दूंगा। निकला यहाँ से। जी सर। थैंक्स जी। चलो रे, कहा जाएगा आज नकल मिल ही जाएगा। जो लोग कल तक तेरी बातों को वेद वाक्य समझते थे, आज वही लोग तेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने फोन किया तो मेरे फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है बालू? जो हाथ हथियार पकड़ते थे आज फुटपाथ पर जूठा बर्तन धो रहे हैं, इसकी वजह कौन है मुझे ये जानना है। क्यों मुझे वो लोग इस तरह से छोड़कर चले गए? इसके पीछे किसका हाथ है बालू? किसी का भी हाथ नहीं है बालू भाई, हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, ये हमारा खुद का फैसला है। हाँ क्यों जिंदगी बदलना चाहते हैं वो लोग? क्या हुआ है उनके साथ? पैसे की प्रॉब्लम है कोई? किस चीज की कमी है इन्हें मेरे साथ? जब भी मांगते थे लाख लाख रुपए देता था, मैंने अपना काम फोकट में करवाया इनसे। इसीलिए तो भाई हमने इतने दिनों तक साथ दिया, उसी की वजह से आपने करोड़ रुपए कमाए और बाजार में इतना नाम भी कमाया। हाँ। उन्होंने बाजार में कुछ नहीं कमाया क्या? बताओ, मेरा नाम लेकर उन्होंने अपना नाम कमाया, पैसे भी कमाए। देखो बालू, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो मेरे सामने आने के लिए बोलो, लाख लाख रुपए ऐसे फेंक दूंगा, लेकिन पहले की तरह उन्हें मेरे लिए काम करना होगा। देखो बालू भाई, ये सब सिर्फ पैसे का सवाल या इज्जत का सवाल नहीं है, हम सबकी जिंदगी का सवाल है। ए, एक लड़की वैश्या बन सकती है लेकिन वैश्या सती सावित्री नहीं बन सकती, ऐसी ही अपनी फील्ड है। तलवार हाथ में लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। एक बार जो इस धंधे में आ गया वो इस धंधे से बाहर नहीं निकल सकता, वापस जाने की इजाजत नहीं देती ये फील्ड। देखो बालू भाई, हम लोग अंडरवर्ल्ड की दुनिया से थक चुके हैं, हमें शांति चाहिए, चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, और कुछ नहीं। क्यों, वो बदलेंगे नहीं क्या? नहीं भाई, हम नहीं बदल सकते और हम किसी की बात नहीं सुनने वाले। अब से हमने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है और इसमें हमें सुख शांति और आराम सब मिल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम उस लाइन पर नहीं जाना चाहते। नहीं जाएंगे। तो आखिर उन सब ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा भोंक ही दिया। सत्या, अभी इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है। सत्या, तुम कब से पूछ रहे हो ना इन सब के पीछे कौन है, कौन है, कौन है? कौन है वो बता। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भावना है इसके पीछे। भावना है? जो लड़की कल मेरे जूठे प्लेट को धोकर खाती थी
उसने मेरे लड़कों को मुझसे दूर कर दिया है। भावना ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। होटल खोल के उनका फुटपाथ पर बिजनेस शुरू कर दिया है। मैंने उनको कितना समझाया लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। अपने दुश्मनों के लिए हमने अपने ही हाथों से बीज बोया है सत्या। सुन बालू, तुम परेशान मत हो, मुझे खुद उतरना होगा। इनके साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। उन लोगों का क्या हाल करता हूं देख लेना, हाथ पैर काट दूंगा उनके। सब्र करो बेटा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। उन लोगों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बस तू अपने दिमाग पर काबू रख, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। उस सत्या को तो मैं मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। तुमने बोल दिया ना, अब देखता हूँ। ए पंकज, बार बार गिनेगा तो पैसे डबल नहीं हो जाएंगे यार। जिंदगी में पहली बार मेहनत की कमाई आई है, इसलिए गिनते गिनते इसका मजा ले रहा हूँ। सही कहा पंकज, मुझे अभी समझ में आ रहा है मेहनत से कमाए पैसे को फिजूल में खर्च करने की हिम्मत नहीं होती। अरे यार, हम लोग कैसे थे और कैसे बन गए हैं। हाँ यार, हम लोगों ने किसी जन्म में पुण्य किया होगा जो भावना दीदी की जैसी बहन हमें मिली है, जो एक दोस्त की तरह हमें समझती है और माँ के जैसे हमें प्यार करती है। यार अरे यार, कल गुरुवार है ना, और कल 9 तारीख है, तो कल भावना दीदी का जन्मदिन है। हाँ यार, अरे बोलते है ना, तो हम जम के जश्न मनाएंगे। करेक्ट। ए पांडे, भावना दीदी को जिंदगी भर याद रहे ऐसा गिफ्ट देंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगी। चलो 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 चलो। सर, 5.3 mm कैलिबर की गोली। हाँ सर, गोली पेट में मारी गई। बेंगलुरु शहर एक और मौत का गवाह बन गया है। दिन दहाड़े अकेले रहने वाली एक औरत की किसी ने हत्या कर दी। चलिए जानते हैं कि इस हत्या के बारे में पुलिस का क्या कहना है। सर, ये बताइए, ये हत्या किसने की होगी, आप कुछ जानते हैं? इस घटना की हमें अभी अभी जानकारी मिली है, डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रही है, बहुत जल्दी हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे। ये हमारी दीदी है सर, प्लीज सर, हमें जाने दीजिए। सर, ये हमारी दीदी से भी ज्यादा थी हमारे लिए। एक्सक्यूज मी सर, सब बॉडी को सर्च करते समय ये डायरी मिली है, डायरी भावना की है सर। लगता है वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसने मेहनत से कमाए हुए पैसों में से 50% तुम्हारे नाम कर दिए हैं और बाकी 50% आश्रम के नाम कर दिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करा के इनके हवाले कर दो। ठीक है सर, चलो। मिलिट्री होटल लेकर जा रहा है ना? होटल जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद दारू पिएंगे। हाँ, ब्लड नहीं। ये क्या, मैंने कहा था ब्लड नहीं लेकिन ब्लड फ्राई मिल गया। ब्लड बैंक वाले। Thank you.
भाई ये तो पुलिस लेके आ गया। आइए सर, आइए सर, देखिए सर, ए इधर आओ। वो दादा के सर, उस बैग के बदले ये लोग 26 लाख रुपए ले रहे हैं। इसका मतलब उस बैग में क्या होगा सर? आपकी शक्ल दूध बेचने वाले जैसी लग रही है तो कोई बात नहीं, अब आपका फायदा कराता हूँ सर। इन गधों को पकड़कर आपका प्रमोशन हो जाएगा। डीएसपी बनकर मिलिट्री ज्वाइन करना, कारगिल चले जाना सर, वापस मत आना, इनको छोड़ना मत सर। ए, सर आपको नहीं सर। अरे ए, आज के जमाने में लोग छोटा मोबाइल लेकर चलते हैं, आप ये ईट जैसा मोबाइल लेकर क्यों चल रहे हैं सर? अरे थू है आपके औकात पर। अच्छा ये सब छोड़िए सर, इन्हें जल्दी से पकड़िए सर, पकड़िए ने। अरे पकड़ो ना इनको। अच्छा तो ये बैग देने से 26 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ सर मिलेगा। अच्छा तो जल्दी जा, जा 26 लाख लेकर तू पुलिस बन जा। मैंने एक नेकलेस का ऑर्डर किया है, उसके लिए पैसे नहीं है। जल्दी जा और पैसे लेकर आ, पैसे लेकर आ जल्दी जा। अबे तेरी तो यहाँ सामूहिक बलात्कार हो रहा था, तुझे बचाने के लिए बुलाया तो तूने बलात्कारियों को ही बचा दिया। अबे तू है, तुझे पुलिस की नौकरी किसने दी गई? अबे तुझे चोर को पकड़ने के लिए बोला तो तू हाथी जैसा पेट लेकर खड़ा ही रह गया है। तू जैसों को तो मीडिया बुलाकर बदनाम करना चाहिए। मैं भी मीडिया को बुला के लाता हूँ, रुक जा। हाँ मीडिया से याद आया, उस दिन मीडिया में तू ही 3 दिन तक छाया था ना। 3 दिन तक टीवी पर तेरी चर्चा हो रही थी ना। क्या करूँ सर, हैवी टीआरपी है। अच्छा कचरा खाने वाले गधे औकात देखी अपनी तूने? तू मेरी कंप्लेंट करेगा, बिस्किट खाने वाले को से कंप्लेंट करेगा। बेटा जरा इधर आना। तू इधर आ बे कालू। ओए मुंह क्या देख रहा है, इधर आ। हाँ क्या है? तेरे पापा घर पे है क्या? अंदर ही है, जा जा जाना। पुलिस है यार, पुलिस पुलिस जल्दी आओ। शिट। तेरे बेटे का नंबर कौन सा है? उसके पास कोई नंबर नहीं है, डॉक्टर ने 2 जुलाई का डेट दिया है, उस दिन तुम आना, मैं तुझे बताऊंगा कि उसका नंबर क्या है, उसने किसका फोन लिया है। बेटा बेकार बेटा। भाई रोड पर सब हमें चोर की नजर से देख रहे हैं। छुप कर जो करना था कर दिया, अब डर लग रहा है इसे। चुप रहे भाई, बाद में मैं ही चोर हूँ बोल दिया तो पुलिस की नौकरी भी चली जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा? रम्या तू रुक, मैं आता हूँ। बीच में ही छोड़ के जा रहा है। रम्या, मेरी बात तो सुन, एक मिनट। रम्या छोड़ मेरा हाथ, मुझ पर विश्वास है नहीं, मुझ पर एक बार भरोसा तो कर प्लीज। ये राइटर का नाम नहीं चाहिए, आज सुबह ही आया हूँ, अब पता है इसकी कहानी क्या है? स्टेटमेंट लेकर आता हूँ। कौन हो तुम लोग, यहाँ का पेशेंट क्या है? ऐ, ऐ, चल रहे। ऐ, रुक। ऐ, ऐ, बैठो। ऐ, पकड़ो, पकड़ो उसे। ऐ, उधर जा। कौन है भाई? हेलो, तेरे बाप को किडनैप किया है। हैं? क्या किडनैप? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, करोड़पति को किडनैप करते हैं और तूने भिखारी को किडनैप कर लिया है। पागल, पागल। अगर तुझे तेरा बाप वापस चाहिए तो। माँ कसम नहीं चाहिए, क्वार्टर दिखाते तो वैसे ही आ जाता मेरा बाप, किडनैप करके तुमने अपनी मेहनत खराब कर ली। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं भी सीरियसली ही बोल रहा हूँ। देखो मर्डर वर्डर मत करना, एक्सीडेंट की तरह हाथ पैर तोड़कर छोड़ देना, इंश्योरेंस क्लेम करके दोनों 50-50 कर लेंगे, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, चलो पैसा बनाएंगे, बोलता हूँ तो कोई मदद ही नहीं करता है। कार्तिक, ए कार्तिक, ओए, अरे तू ही है भाई, कमाल है भाई। कैसे किया भाई? अभी तू यहाँ से गया और अभी इस तरफ से आ गया, मैं ही धमकी देने जा रहा हूँ तो मुझे ही कोई धमकी दे रहा है,
कि तेरे बाप को किडनैप किया है। हाँ, क्या मैजिक करता है। चोर कहीं का कुछ 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 बस यही बात है। ओके तुम एक काम करो, हॉस्पिटल जाकर माँ बाबा को देख लो। मुझे थोड़ा काम है, वो खत्म करके आता हूँ। ओके बाय बाय। ओए आसमान से टपका खजूर पर अटका यार। भाई वो पुलिस वाले मेरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, थोड़ी मेरी मदद करो। चलो चलो। आज मेरी किस्मत ही खराब है लगता है। थोड़ा जल्दी चलाओ ना भाई। हाँ बोलो बोलो रंगा भाई। हाँ, कहाँ मतलब? मैं अपनी एक बात पर टिका रहता हूँ, समझे? कहाँ है सर? आ लाइन पर मिलने ही आ रहा हूँ। बैग चाहिए कि नहीं? चाहिए। पैसे तैयार है ना? हाँ, हाँ। 500 के हैं या 1000 के नोट हैं? 1000 के हैं। ओए आजकल 500 और 1000 के नोट बहुत फर्जी है मार्केट में। तुम 100 के नोट की गड्डी मंगवा लो। हेलो हेलो कैसा भाई? औरंगा हमारे साथ डबल गेम कर रहा है भाई। उसने आपको गलत नंबर देकर 25 लाख रुपए में डील कर लिया भाई। उसने 25 लाख में बात की है ना, तो तू 35 लाख में बात कर, मैं अभी आता हूँ। हेलो भाई, आपके डबल गेम के बारे में दीना भाई को पता चल गया है। हाँ भाई। ओए, माँ का दूध पीने वाले बेटे, ठीक से सुन ले। बाइक का नंबर गलत दिया होगा, लेकिन मैं तेरा डेथ नंबर सही दूंगा। अगले 10 मिनट में तेरा काम तमाम। मुझे वो बैग किसी भी हालत में चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। अरे अब क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे ये पुतले का हाथ है। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं जय, लेखा सच में भूत है यार। अरे वैसा कुछ नहीं है, लेखा जिंदा है। नहीं यार, मैं जो बोलता हूँ उस पर यकीन कर, नहीं तो अपने पैरों के बीच से देख, तुझे खुद पता चल जाएगा यार। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लेखा जिंदा है। अरे यार तू ठीक से जानता नहीं है जय। बेवकूफ की तरह बात मत करो, इस नकली हाथ को भूत समझ रहे थे ना, इसी तरह तुम लोग लेखा को भी भूत समझते हो। अरे जय रुक यार, कसम से बोल रहा हूँ लेखा भूत नहीं है। क्या यार ये कसम खा के बोल रहा है, कहीं हम ही लोग तो गलत नहीं है? ए, अगर इसकी बात पे यकीन करे कि लेखा भूत नहीं है तो फिर भूत है कौन? मेरे दोस्त की बीवी मर चुकी है माता जी। हाँ। वो भूत बन के हमारे पीछे पड़ी है। वो भूत है या नहीं वो पता नहीं, पर तुम लोगों के साथ भूत जरूर है। जय जय हे, क्या वजह है? पेड़ के किनारे से लग गया। क्या यार कितना खून निकल रहा है? यार यहाँ पे तो हर जगह खून ही खून दिख रहा है। ये टकला कुछ तो गलत हुआ है। हाँ यार जैसे खून की बारिश हुई हो। चुप रह, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ये भूत है, ये भूत है। अमावस्या में पूजा किए हुए चावल आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। आज पूर्ण अमावस्या है, अगर तुम लोगों को किसी पर शक है तो उसके ऊपर ये मंत्र वाले चावल डाल दो। अगर वो चिल्लाने लग जाए तो उसी वक्त तुम्हें भूत का असली रूप दिखेगा।
यार यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, जब मैंने चावल फेंका तो जय कैसे चिल्ला रहा था देखा, वही भूत है यार। ए, तो क्या हम लोगों ने गलती से लेखा को भूत समझा? उस दिन भी लेखा ने अपने हाथ लंबे करके फल उठाया था। उसके घर में लोहे का लंबा पकड़ था, शायद उससे उठाई होगी। हाँ सही कहा, उसने पकड़ से ही उठाया होगा। हाँ, ये लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब लेखा भी जिंदा है, हमें जल्दी से जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। चलो जल्दी चलो। मैं नहीं आऊंगा। तो तू यहीं रह टकले। मैं आता हूँ, आता हूँ। लेखा, 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 सॉरी लेखा, हम लोगों ने तुम्हें गलत समझा। गांव वालों की बातों में आकर हमने तुम्हें भूत समझा, इसीलिए हमने तुम्हें जैसे अलग किया, लेकिन अब सच्चाई जान गए हैं। हमें माफ कर दो लेखा। हे, चल इधर आ। तू सही बोल रहा है, जा। माफी मांग। हे, वोट मांग रहा है क्या? भूत की नसें नहीं होती, देखता हूँ लेखा की है कि नहीं। अरे तू डॉक्टर है क्या जो नस देख रहा है? हाथ छोड़। कंफ्यूजन अभी भी है। अब तुम हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? इस गांव में तुम्हें सब गलत समझते हैं, इसलिए जय ने तुम्हें बगल के गांव में लाने के लिए बोला है। जय कहाँ है? वो वहीं पर है, हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है, बच्चे को लेकर आती हूँ। तुम्हारी प्रेम कहानी 100 मील का सफर पूरा कर चुकी है। हमारी शादी के बाद हमारे 2 प्यारे से बच्चे हुए, उनका खेलना कूदना और पढ़ाई ही हमारी जिंदगी है। मैंने हमेशा से ही एक ऐसी जिंदगी की कल्पना की थी। मैं चाहती थी कि मेरा एक छोटा सा सुखी परिवार हो, और जब कभी भी मैं तुमसे रूठूं तुम मुझे मनाने आओ। और ये सब करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्यार में है। बहुत दिन हो गए तुमने मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, आज फिर से लगाओ ना। अरे अरे क्या हुआ? कितनी उम्मीद से मैंने तुम्हारा लेटर खोला था, और तुमने इसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा है, क्या कर रहे थे तुम? बहुत कुछ लिखना चाहा लेकिन मैं लिख ही नहीं पाया, अपना दिल निकाल कर मैंने रख दिया। जरा गौर से तो देखो, मेरा दिल नजर आएगा। दिखाई दिया? तुम एक अमर प्रेमी हो, और सबसे अलग भी। मेरे दिल का दर्पण खाली था और तुमने उसे आकर भर दिया। खामोशी से सुनो ये प्यार क्या कहता है। तुम्हारे लिए धड़कता था मेरा दिल, खामोशी से सुनो प्यार क्या कहता है, ये प्यार क्या कहता है। ये मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी है। ये मेरी और तुम्हारी प्रेम कहानी है। भाई जी, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मानता हूँ मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। भाई पहले तो गलती करता है फिर माफी मांगता है, मैं क्या माटी का माधव हूं जो मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा? ऐसे लोगों को माफी नहीं सजा मिलती है। भाई जी ये तो मर गया, गाड़ दो इसे। हाँ।
अरे यार माँ, अभी एक मस्त गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। माँ चाय बना दो। माँ माँ सविता तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया क्या? माँ तुम कहाँ हो? माँ उसका फोन आया था, वो अगले महीने आ रहा है, उससे कहो मत आए। क्या बात है, गुरु माँ की आवाज ही नहीं आ रही। माँ क्या हुआ शंकर? कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जरा उधर देखो। होंगी हारमोनियम गायब है, इसका मतलब गुरुजी मठ में आए हुए हैं, गुरु माँ वहां गई हुई है। भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, गुरु के सामने हाथ फैलाते हैं, दोस्तों से हाथ मिलाते हैं और प्यार के आगे भी हाथ फैलाए जाते हैं। हम सद्बुद्ध खो देते हैं, मूरत बन जाते हैं, कला बनते हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तुम्हारा हर अल्फाज शायरी गजल जैसा लगता है श्याम। मेरी राधा, हमारे बच्चों की शादी हम अलग ढंग से करवाएंगे, ऐसा मान लो हमारे बच्चों को भी दो प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। हमारे बुढ़ापे की तन्हाई दूर करने के लिए बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे और तब हम भी बच्चे बन जाएंगे। अब देखो ना हम कितनी दूर चले गए, हम उतने बूढ़े हो तो जाएंगे ना। हम और हमारा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही कम होगा। सबकी कहानी ऐसी ही होती है, हंसते खेलते सपनों को समेटते, कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, कभी रूठते मनाते, कभी जानकर तो कभी अनजाने में। झूठ के लफ्जों से ही प्यार की शुरुआत होती है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। आई लव यू, आई लव यू। आंखों में प्यार खिल उठा, दिल में प्यार पलने लगा, सांसों से सांसें मिलने लगी, दिल से दिल मिलकर धड़कने लगा, ये मेरी और तेरी प्रेम कहानी, यही है मेरी तेरी प्रेम कहानी। बुढ़ापे में ऐसे गुड़गुड़ करके बोलोगे समझ में नहीं आएगा, तुम गला और जुबान ठीक से साफ करो। अरे बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, छोड़ो अब ये सब। अरे मामा, मामा नहीं, मामा मारो मत। अरे मामा, मामा प्लीज माफ कर दो, मामा अरे क्या कर रही हो, सबके सामने मत मारो, मामा मैं माफी मांगता हूं। अरे नहीं नहीं छोड़ो मुझे, रुको 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 रुको, मैं आपके पीछे चलूंगा। नहीं लगवाओगे तो दर्द कैसे ठीक होगा बताओ। देखिए मुझे तेल लगाने से परहेज नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि मेरे पूरे पीठ पर तेल लगाएंगी, वो नहीं होगा। ऐसा क्यों? पिछले हफ्ते लगवाया था तो इस बार लगवाने में क्या प्रॉब्लम है? वो पूरे पीठ पर तेल नहीं लगाना है, बनियान नहीं उतारना है। ऐसा क्यों? वो राधा है ना। कौन राधा? अरे अपनी राधा, उसने मेरी पीठ पर प्यार से काटा है, उसके दांत का मार्क आ गया है। अगर मैंने बनियान निकाला तो माँ तेल नहीं लगाएगी, लेकिन 10 बार सुना तो देगी, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा मामा नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे मत 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 प्लीज, ऐसे मत करो। अरे यार छोड़ो ना। अरे क्या करो, बनियान मत उतारो। अरे ओ नो, नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, मामा मामा नहीं नहीं नहीं। तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? अरे वो हाथ में तो आ गया था लेकिन मुंह तक नहीं आया। तो अपना हाथ मुंह में घुसेड़ ले।